हाय, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी ट्रीट बाय प्रियंका। आज मैं बनाने जा रही हूँ सत्तू का पराठा। ये डिश बिहार और यूपी के हर घर में बनने वाला एक डिश है। आई होप आप सबको ये बहुत पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स। सत्तू 2 बाउल, मैंने इसी बाउल से 2 बाउल सत्तू लिया। और ये हमारा आटा पराठा बनाने के लिए, इसे हम थोड़ा लूज गूंथेंगे तो हमारा पराठा बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ती, अनियन, 1 बिग अनियन, इसे हम फाइनली चॉप कर लेंगे। जिंजर गार्लिक, जिसे मैंने क्रश कर लिया है। ये घर का अचार का मसाला, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। सॉल्ट, पराठा बनाने के लिए कुकिंग ऑयल, लेमन, अजवाइन, हरी मिर्च, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, कलौंजी, इसे मंगरेला भी बोलते हैं, एंड मस्टर्ड ऑयल। अब हम अपना स्टफिंग बनाते हैं। ये सत्तू, इसमें मैं डालूंगी कोरिएंडर लीव्स, अनियन, जिंजर गार्लिक, ग्रीन चिली, अजवाइन, ब्लैक पेपर, मंगरेला। ये हमारा अचार का मसाला। सॉल्ट, अपनी टेस्ट के अनुसार ले लेंगे। इसमें हम डालेंगे लेमन, ये मैंने 1 लेमन लिया है। सीड्स को रिमूव कर लेंगे। अब मैं इसे मिक्स कर लूंगी, मैं हाथों से ही मिक्स करूंगी क्योंकि ये हाथों से बहुत अच्छा मिक्स होता है। इसलिए इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे, लॉट्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल। इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं पानी भी ऐड करूंगी, हमें हल्का हल्का पानी स्प्रिंकल करके ऐड करना है। इसमें और पानी ऐड करेंगे, हमारी बाइंडिंग अच्छी होनी चाहिए, इसलिए मैं पानी थोड़ी थोड़ी ऐड कर रही हूँ ताकि हम पराठे में स्टफिंग अच्छे से हो सके। इसे हमें ऐसे क्रश कर करके मैश करना है। अगर आपको लगे कि अभी अभी भर भरा सा है तो इसमें आप और पानी ऐड कर करके इसे स्टफिंग को तैयार कर सकते हैं। अभी हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है पराठे में स्टफ करने के लिए। अब मैं पराठा बनाना स्टार्ट करती हूँ। इसे हम इस तरह करके अपनी स्टफिंग को इसके अंदर डालेंगे, इसे जेंटली
प्रेस करके बंद कर देंगे। एक्स्ट्रा आटा को हम निकाल लेंगे ऐसे तोड़ के। अब पैन हीट हो चुका है, एक और पराठा स्टफ कर लेते हैं जब तक हमारा ये पराठा सिकता है। इसमें हम ऑयल लगाएंगे, पराठा अच्छी तरह से फूल चुका है। इसे हम चारों तरफ से ऐसे प्रेस करके पका लेंगे। और ये हमारा पराठा रेडी। हमारा पराठा अब रेडी हो चुका है। इसे हमारे बिहार और यूपी में चोखा के साथ खाते हैं, जिसे बैंगन टमाटर और आलू मिक्स करके बनाते हैं। वो रेसिपी भी मैं कभी शेयर करूंगी। और इसे आप बनाकर देखिए, अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।